तो इफ के हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो पहले एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि अगर एक ग्रेटर देन 50 है तो रिजल्ट ओके, अदरवाइज पेंडिंग। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इफ ट्रू एंड फॉल्स में काम करता है, तो यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं, बट ये ट्रू आना चाहिए कंडीशन से। तो कंडीशन हम यहाँ पे लॉजिकल कैलकुलेशन के लॉजिकल ऑपरेशन लगाएंगे कि ग्रेटर देन 50 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे हमने दे दिया ओके, जी चलिए जी क्लियर। कुछ इफ के कुछ ऐसे ट्रिक समझाते हैं। तो हम पहले नेम लिस्ट लेते हैं, इस नेम लिस्ट को शॉर्ट करता हूं। अब देखिए शॉर्ट करना जरूरी है, शॉर्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट हमने यहां पे कर दिया नेम के अकॉर्डिंग। शॉर्ट करने से क्या हुआ कि सारा नेम इकट्ठा हो गया। अब मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है। अब मुझे जैसे अमर का सिर्फ एक ही अमर उठाना है, देव सिर्फ एक ही उठाना, मतलब यूनिक हमें उठाना है। तरीका बहुत सारे है, बट इसको हम इफ से करना चाहते हैं। तो यहां पर हम देते हैं इफ ऊपर वाली वैल्यू, सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे यू मतलब सॉरी डी, डी मतलब डुप्लीकेट आया, यू आया। अभी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आपका यू दिखेगा क्योंकि अमर और नेम आपस में बराबर, नहीं ठीक है सर। सर आप फिल्टर लगा सकते हैं यू को। मान बिल्कुल लीजिए मुझे अगर सीक्वेंस देना है तो मतलब मैं 1 2 3 ऐसे देना चाहता हूं नंबर, यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे कि इफ इक्वल, इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दो, +1 से स्टार्ट करें, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपके सामने आए फिर वापस वन। अब सीरियल नंबर की बात चल रही है, तो हम जैसे डेटा एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ऐसे और भी चीजें लिखते हैं। तो जैसे आपने 1 लिखा, नाम लिख दिया पूजा, और इसके बाद बाकी और डिटेल भी होगी वो हम लिख देते हैं। फिर वापस नाम यहाँ पे नीरज लिखे और फिर यहाँ पे 2 भी, तो मैन्युअली सीक्वेंस नंबर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आ जाए। सॉरी, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखे नहीं, ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हम इफ लगाएंगे इक्वल, इफ हमने बोला सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। हमने ग्रेटर देन 0 क्यों किया, क्योंकि जो सामने वाली वैल्यू है वो 0 से बड़ा मतलब कि ब्लैंक से ज्यादा, आपका एक्स वैल्यू 0 को ब्लैंक समझता है, ठीक है। आपका एक्सल है ब्लैंक से इक्वल टू उसका 0 होता है, तो इसलिए 0 से बड़ा मतलब कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। ऐसा हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक। ब्लैंक मतलब हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के ओपन किया एंड क्लोज कर दिया, इससे क्या हो गया कि आपका है वो ब्लैंक रहेगा, कुछ उस पर टाइप नहीं दिखेगा। जैसे यहां नाम लिखता हूं, मैं लिखता हूं ओम, ठीक है सर, क्लियर है। हाँ 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 सर क्लियर है सर। आते हैं दर्शन। अब यहां पे एक दिक्कत और भी है कि अगर मैंने गैप कर दिया तो यहां एरर आएगा। अब इस चीज को समझिए कि एरर क्यों आया। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि B7A
A6 क्या है? ब्लैंक, मतलब कि हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज कर दिया, तब ये जीरो नहीं रहा, ये टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन तो की जा नहीं सकती, समझे? तो इसलिए यहां पे ब्लैंक आया। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम अलग से कोई और सीरियल नंबर देंगे, जैसे कि हमने दिया कि इफ अगर इसके सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम यहाँ मैक्स लगाते हैं। मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीरो है या ब्लैंक। आगे अब नीचे ड्रैग करने से पहले हम पहले C1 को फ्रीज कर देंगे, ऐसा, और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे कि आपका सीक्वेंस नंबर ब्लैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो नहीं है? नो सर। अब सीरियल नंबर की बात हो रही है तो मैं यहां सीरियल नंबर जनरेट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे जो टॉप दो 50 दो 10 दो उतना ही जितना जितना नंबर दो उतना ही जनरेट करे। तो यहां हम देंगे फॉर्मूला कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है हमारे टॉप से, राइट जी, हम यहाँ ब्लैंक कर देंगे, अदरवाइज इसमें प्लस वन करके सीक्वेंस को कंटिन्यू करें। और इसको ड्रैग करूंगा तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि आपका G6 भी ड्रैग हो गया, तो जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम इसको फ्रीज कर देंगे। तो ड्रैग किया और एक मिनट, हमने गलत फ्रीज कर दिया, माफ कीजिए, हमें फ्रीज करना है यहाँ G3 को, ठीक है? तो आया लेकिन ये एरर क्यों आया? ये जो जो एग्जांपल मैंने यहां दिया था, बट यहां तो हमने मैक्स लगा दिया था, क्या यहां भी मैक्स लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। आप इसमें इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ एरर क्या करता है? वो भी एरर विद इफ है, मतलब कि अपने अंदर दो इनपुट है, पहला इनपुट अगर एरर आया तो दूसरा को शो करेगा, मतलब कि फॉर्मूला जो हमने दिया अगर फॉर्मूला एरर आया तो वो ब्लैंक को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो फॉर्मूले के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसको हमने नीचे से ड्रैग कर दिया तो एरर अनविजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया, सॉरी। यहां पे हम 15 करता हूं, 20 करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग जोन, मैं चाहता हूं कि यहां पे 10 से 30 होना चाहिए। तो जो यहां मैन्युअली हमने 1 लिखा है उसको लिंक कर दीजिए इस 10 से, तो जो नंबर डालेंगे उसके बिटवीन में ही आएगा। अगर इसमें आप डेट करना चाहते हो ना तो आप डेट भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? बस डेट पे आपको डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना हो। ठीक है सर? क्लियर सर। दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए इफ के, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे कुछ और एग्जांपल इफ के